रुक जाओ, दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, बैठो, सिट सिट, चलो नीचे आओ। फ्रोजन ड्यूक नीचे आओ, चलो जाओ, चलो चलो चलो, चलो, चलो। वीडियो स्टार्ट करने नहीं दे रहा है, रुक जाओ। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, हेलो कर दो, चलो हेलो कर दो एक बार। और ये था 50 रुपीज़ का, देख रहे हो कितना सही जुगाड़ बिठाया है। चलो 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 चलो, इधर 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 लगी। हे गाइस, दिस इज़ अवित नेगन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये देखो ड्यूक को, आज ड्यूक मेरे साथ बैठ के इंट्रो दे रहा है। रुक जा ड्यूक, इसको कैमरा बहुत पसंद है। जब भी मैं कोई मतलब कैमरा वगैरह इसके सामने लेके आता हूँ तो ऐसे बैठ जाता है, और इसको थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी आती है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कौन कौन सी ट्रिक्स आती है। इधर यहाँ पे चलो, रुक जाओ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, बैठो सिट सिट। और दोनों इतने तेज है ना, जब तक इनको कोई ट्रीट ना दिखाओ ना, बिस्किट वगैरह या कुछ भी इनका पेडिग्री वगैरह, तो तब तक ये कुछ करते नहीं। देखो सेट सेट, फ्रोजन सेट, नो ड्यूक नमस्ते करो, तेरे को दे रहा हूँ रुक जा। ड्यूक नमस्ते करो, देखो ये नमस्ते कर रहा है, चल तू भी कर नमस्ते। फ्रोजन नमस्ते कर दो, रुक जा ना, नो देखो ड्यूक को, तो इसको तो ट्रिक्स आती हैं, नमस्ते वगैरह करता है ये। और ये अभी छोटा है, ये एक साल का हो जाएगा अगले महीने, तो इसको कुछ नहीं आता। चलो इनका तो यही चलता रहता है। और आज मैं बाइक में जो इसका TFT है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक टेम्पर्ड ग्लास लगाऊंगा। देखते हैं कौन से फ़ोन का इसमें टेम्पर्ड लगता है, तो हम अभी थोड़ी देर में इसका टेम्पर्ड ग्लास लगवाने जाएंगे। चले ड्यूक आ जा। तो मुझे कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि आप कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो, तो भाई मैं बस GoPro का जो Hero 9 है बस वही यूज़ कर रहा हूँ। और जो मेरा माइक है, मतलब हेलमेट के अंदर का जो माइक है, वो Kodak का माइक है कोई, वो था अराउंड 1200 कुछ का। तो जब मैंने GoPro लिया था तो मैंने उसी के साथ वो लिया था। और इसमें मैं GoPro में कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं करता, जो GoPro का इनबिल्ट माइक है मैं उसी से काम चलाता हूँ, क्योंकि उसकी जो ऑडियो क्वालिटी है भाई वो बहुत सही है। और ये व्लॉग मैं आज सुबह से शूट करने की सोच रहा था, लेकिन घर के बगल में एक घर बन रहा है, तो यहाँ पे मशीन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो अभी जाके थोड़ा सा काम रुका इनका, तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और अब चलते हैं भाई फटाफट से बाइक के लिए टेम्पर्ड ग्लास ढूंढने, क्योंकि इसकी स्क्रीन के लिए यार टेम्पर्ड बहुत ज़रूरी है, और मैंने अभी तक इसकी जो पॉलिथिन होती है वो इसीलिए नहीं निकाली थी। तो फटाफट से हम टेम्पर्ड ग्लास लगवा के आते हैं। ऑलराइट, तो भाई लोग हम आ गए हैं अपनी बाइक पे, और टाइम हो रहा है 5:15। तो आगे पे एक शॉप है, वहाँ पे मतलब फ़ोन वगैरह के टेम्पर्ड रखते हैं वो शॉप, क्या जो छोटी सी क्या बोलते हैं उसको, उस पर उन्होंने टेम्पर्ड वगैरह रखे रहते हैं, तो उनके पास सारे टेम्पर्ड मिल जाते हैं यार। तो उनसे पूछेंगे कि कोई ऐसा टेम्पर्ड है उनके पास जो उसकी स्क्रीन में फिट हो जाए। और बाइक में बैठते ही ना भाई एक अलग एनर्जी आती है यार, इसका थ्रॉटल खोलते ही ना। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो बाइक को भाई खींचेंगे नहीं इतना। तो बाइक को भाई एक महीना हो गया है, और इसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बाइक के साथ। तो मैं सच बताऊं तो भाई मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने ये बाइक ली है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे लगा हो यार कि हाँ मतलब कि कुछ ख़राबी है या कुछ भी ऐसा सीन है। और यार शॉप जो वाली है टेम्पर्ड वाली, वो यहीं कहीं पे होती है आगे पे, हाँ दिख तो रही है मुझे, बट वहाँ पे कोई है या नहीं है। इसकी स्क्रीन के लिए ना कोई टेम्पर्ड होगा आपके पास, किसी फ़ोन का टेम्पर्ड लग जाएगा इसकी स्क्रीन में? हाँ वीवो V15 इनका टेम्पर्ड होता है ना बड़ा थोड़ा, एक बार देख लो भैया। बाइक को खड़ी करते हैं भाई, और इससे बड़ा है क्या कोई? तो इससे ज़्यादा बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बड़ा तो मिल जाएगा, फिर लगे या ना लगे ये नहीं पता ना। अच्छा मतलब वो थोड़ा चौड़ा चौड़ा होगा ना, चौड़ाई में भी चौड़ा होगा ना। ये कौन से फ़ोन का है? ये V15 Pro, V15 Pro का है। दिखाओ एक सेकेंड, दिखाओ कहाँ तक लग रहा है ये, देखो यहाँ तक है ना इसकी स्क्रीन, मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको।
यहाँ तक है इसकी स्क्रीन, यहाँ से स्क्रीन पे तो आ जाएगा, आ जाएगा ना। कोई और आते हैं इसमें है? कोई और आते हैं इसमें, मतलब जैसे आते हैं ना दूसरे मैट से या कोई और ऐसे, मैट में तो भी चमकेगा, अच्छे से चमकेगा। वो तो यही होगा फिलहाल, यही होगा फिर एलेवेंटी वाला है, पर उसके लगा के कोई फायदा नहीं, वो तो फोन के लिए होगा। हाँ वो तो फोन के लिए, तो ये लग जाएगा ना, लगा दो फिर इसी को, इसकी पॉलिथीन निकालनी पड़ेगी मुझे। इसकी स्क्रीन ना यहाँ से यहाँ तक ही है वैसे, स्क्रीन इसकी यहाँ तक ही है वैसे। वीवो वी 15 का है ना ये। ऑल राइट, तो भाई लोग ये टेम्पर्ड इसमें लगा है, और ये था 50 रुपीज़ का, देख रहे हो कितना सही जुगाड़ बिठाया है। थैंक यू भैया। तो उनके पास और टेम्पर्ड भी थे, जैसे क्या बोल रहे थे वो 11D ग्लास ऐसा कुछ करके बोल रहे थे, लेकिन उसका फ़ायदा होता नहीं है, मतलब उसका फ़ायदा था नहीं इसमें लगाने का, वो बस मोबाइल्स के लिए सही होते हैं यार। तो ये हमने एक नॉर्मल सा लगवाया है, स्क्रीन तो भाई बच जाएगी हमारी स्क्रैच वगैरह से, और यही चाहिए था बस हमें। तो देखते हैं कि कब तक चलता है, अगर कुछ होगा इसमें तो चेंज करवा देंगे, और मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मेन तो यार यही था मेरा कि स्क्रैच से बच जाए बस हमारा। और बाकी अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस है तो यार कमेंट कर देना, जल्द से जल्द कमेंट के रिप्लाई करूँगा मैं, पूरा ट्राई करूँगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और सी यू सून इन माय कमिंग व्लॉग्स, तब तक ले बाय, टाटा, टेक केयर।